क्या मैं आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर सिखाऊं जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और वो है मेक अ बू बू। और इस टॉपिक का मतलब होता है मेक अ मिस्टेक, यानी गलती कर देना। जैसे अक्सर आप अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां आप कहते हैं मैंने एक गलती कर दिया, या गलती करना इंसान का नेचर है, या सिर्फ गॉड ही गलती नहीं करते हैं। तो यहीं पर आप कहेंगे मेक अ बू बू। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैंने एक गलती कर दिया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव मेड अ बू बू, यानी मुझसे एक गलती हो गई है। यहाँ मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि इस टॉपिक का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, और इस टॉपिक में आया मेक आपका मेन वर्ब है, इसीलिए आपका सेंटेंस जिस टेंस में हो आप मेक का वो फॉर्म लिखें। क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसलिए मैंने हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जो है हैव मेड। मान लीजिए अगर आपको कहना हो गलती करना इंसान का नेचर है, यानी मिजाज है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टू मेक अ बू बू इज ह्यूमन नेचर, यानी गलती करना इंसान का स्वभाव है या मिजाज है। अगर आपको कहना हो सिर्फ ऊपर वाले ही गलती नहीं करते हैं, यानी सिर्फ गॉड ही गलती नहीं करते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ऑनली गॉड डजंट मेक अ बू बू, सिर्फ गॉड ही गलती नहीं करते हैं। अगर आपको कहना हो मैं अक्सर गलती कर देता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई ऑफन मेक अ बू बू, यानी मैं अक्सर गलती कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि मेक अ बू बू क्या है। अगर आप इसी तरीके के और भी बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है।